नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। आज क्राइम टाइम में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की कहानी जिसने 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब असफल रही तो उसके गुप्त अंगों पर चोट पहुंचाई और खुद ही पीड़िता बनकर पहुंच गई आईजी ऑफिस, और आईजी ऑफिस पहुंचकर खुद ही हो गई गिरफ्तार। ऐसा षड्यंत्र रचा कि आईजी भी समझ गई कि वो खुद ही आरोपी है। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के मलियाबाद की ये पूरी कहानी क्राइम टाइम में। आज ये कहानी उत्तर प्रदेश के मलियाबाद की उस गांव की है जहां एक 8 साल का मासूम टीवी देखने बगल के घर में गया, देखते देखते वो सो गया तो वहां मौजूद उस महिला ने उस 8 साल के मासूम के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। जब उसमें नाकामयाब रही तो उसने गुप्त अंगों पर चोट पहुँचाई। जब मासूम दर्द से चिल्लाने लगा, अपने घर पहुँचा तो पिता और उसकी माता ने देखा तो उसको हॉस्पिटल ले गए जहाँ डॉक्टरों ने उसका इलाज करना शुरू किया। तो पूरा माजरा समझ में आया और ये भी समझ में आया कि इसके साथ हुआ क्या है। और उसके बाद महिला फरार तो हो गई, लेकिन कैसे पहुँच गई आईजी ऑफिस वो भी पीड़िता बनकर, और उसने कहा कि उसके घर वालों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पूरी कहानी क्या है, पूरा कहानी का घटनाक्रम कैसे घट रहा है आपको धीरे धीरे बताते विस्तार से, वो भी क्राइम टाइम में आपको बताते हैं। चलिए नज़र डालते क्राइम टाइम इस पीड़िता की कहानी पर जो खुद ही आरोपी निकली। 8 साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकत कर खुद पीड़िता बनकर थाने पहुंची महिला आईजी ने करवाया गिरफ्तार। आपको बता दें ये मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी के मलियाबाद के एक गाँव में। महिला ने शनिवार देर शाम 8 साल के मासूम से अश्लील हरकतें की, विरोध करने पर उसके निजी अंगों पर वार कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मंगलवार को आरोपी महिला आईजी कार्यालय फरियादी बनकर पहुंच गई। वह पीड़ित मासूम के परिजनों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर लिए थी। पूरी जानकारी होने पर आईजी लक्ष्मी सिंह ने अपने कार्यालय पर ही पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा लिया। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह के मुताबिक मलियाबाद इलाके में रहने वाली नेहा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि पड़ोस में रहने वाले एक 8 साल का बच्चा 1 अगस्त को नेहा के घर गया था, वहाँ पर टीवी देखते हुए वह सो गया था। इसी बीच नेहा ने बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी थी। उसने निजी अंगों पर वार किया था जिससे चोट लग गई। घर पहुंचते ही बच्चे की हालत बिगड़ गई तो निजी अस्पताल में कई दिन तक भर्ती कराया गया था। शनिवार को बच्चे के पिता ने नेहा के खिलाफ मलियाबाद थाने में तहरीर दी जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित ने परिवार पर ही मुकदमा कराने की कोशिश की। मुकदमा दर्ज करने के बाद मलियाबाद पुलिस का दावा था कि वह आरोपी नेहा की तलाश कर रही है। वहीं नेहा ने खुद को बचाने के लिए पेशबंदी में पीड़ित मासूम के परिजनों पर छेड़छाड़, मारपीट व धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने पर तहरीर दी, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह मंगलवार को आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह के कार्यालय पहुंच गई जहां उसकी शिकायती पत्र मिलने के बाद आईजी रेंज को संदेह हुआ। उन्होंने मलियाबाद थानेदार को कॉल कर पूरी जानकारी हासिल की। मलियाबाद के प्रभारी निरीक्षक नित्यानंद सिंह को तत्काल आईजी कार्यालय पहुंचने को कहा। वहीं कार्यालय में तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। पुलिस ने आईजी कार्यालय में ही पूछताछ की। इसके बाद वहीं से कोर्ट में पेश किया गया जहां से आरोपी नेहा को जेल भेज दिया गया। हंगामा टाइम्स।